हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम जिसमें होमोजीनियस में था, ए एक्स बराबर बी में, बी जो था वो जीरो मैट्रिक्स था। एक कॉलम मैट्रिक्स होता है बी, ये सब कोई जानता है। जो इसमें हमारे पास नॉन होमोजीनियस में ये मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा। और साथ में हमने देखा कि जो होमोजीनियस मैट्रिक्स था उसका एक ट्रेवल सॉल्यूशन एक्स आई बराबर जीरो हमेशा एग्जिस्ट करता था। तो इसका मतलब जो होमोजीनियस सिस्टम था उसका हमेशा कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। बट नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन का जरूरी नहीं है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे ही, वो इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है। बेसिकली एक अगर हम रिलेशन देखें होमोजीनियस सॉल्यूशन और नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन के सिस्टम में, सपोज कि पी जो है वो एक सॉल्यूशन है ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम का, तो उस कंडीशन में ए पी बराबर क्या होगा? ए एक्स की जगह हम पी पुट कर दें तो ए पी बराबर बी होगा। अब हमारे पास और बी जो है वो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम का, बी जो है वो सॉल्यूशन है होमोजीनियस सिस्टम का, तो उस कंडीशन में ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर जीरो होगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ए पी प्लस, अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स ए पी प्लस, अगर दोनों सम की बात करें ए प्लस बी, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? ये होगा ए पी प्लस ए बी, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियो की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ये हो गया ए पी बराबर आ गया बी प्लस जीरो, तो ये आ गया बी। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में इस तरह से सॉल्यूशन होगा। अगर जैसे सपोज कि बी हमारे पास नॉन होमोजीनियस का कोई भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, जरूर नहीं है जीरो वाला ही हो, इनकंसिस्टेंट जरूर नहीं है, ट्रेवल सॉल्यूशन हो, नॉन ट्रेवल सॉल्यूशन हो, वो वेक्टर भी ऐड करके अगर हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो ए क्यू बराबर बी ही आएगा। तो ये की रिजल्ट है हमारे पास कि यहाँ पे इस वेक्टर को ऐड करने पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। यानी कि अगर पी जो है वो नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, पी जो है नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, बी जो है एक होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, देन पी प्लस बी जो है उसके भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे करेंगे नहीं, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे पी प्लस बी जो है वो भी सॉल्यूशन होगा एक्स का, एक्स बराबर बी का। तो यहाँ से ये हम यहाँ पे एक रिजल्ट निकला है हमारे पास। और उसके बाद थ्योरम 5.5 देखते हैं। सपोज दैट अ लीनियर सिस्टम ए एक्स बराबर बी इज कंसिस्टेंट, हमने सपोज किया है कि ए एक्स बराबर बी जो है वो कंसिस्टेंट है, एंड लेट पी बी द सॉल्यूशन, देन एनी अदर सॉल्यूशन क्यू ऑफ द सिस्टम ए एक्स बराबर बी। और जब उस कंडीशन में क्यू का ए जो सॉल्यूशन है ए एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन जो है कैन बी रिटन इन द फॉर्म क्यू बराबर पी बी, वेयर फॉर वेक्टर बी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स बराबर जीरो, बी जो है वो सॉल्यूशन है ए एक्स बराबर जीरो का। तो अगर एक सॉल्यूशन क्यू है तो उसके और सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू बराबर पी प्लस बी की फॉर्म में। यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म ऑफ द लीनियर सिस्टम, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनेगा? सिंपली इसके कोफिशिएंट्स जो कि यहाँ पे जैसे 3, 1 एंड 2, ये रहा, तो ये हमारे पास 1, 1, 1, और ये -9, -5, -7, और ये हमारे पास आ गया। तो इसका हमारे पास अगर सॉल्यूशन देखें तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था, यही एग्जाम्पल सॉल्व किया था फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में। इसमें हम देखें तो ये मैट्रिक्स चेंज करके रो ऑपरेशन से इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास रो रिड्यूस रिडक्शन इक्लियन फॉर्म, रो रिडक्शन इक्लियन फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब ये बैक ट्रेसिंग से अगर पहले सबसे पहले देखते हैं इसके अब सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो रो है, तो इस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। अब यहाँ पे रैंक जो है वो 2 है, देयरफॉर द 3 पैरामीटर्स कितने हैं इसके, बेसिकली 3 जो है कॉलम है, अगर इसकी बात करें तो 3 कॉलम है, तो d -2 यानी कि 1 जो है
वो थ्री पैरामीटर्स हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि थ्री कॉलम्स है, कई बार हम ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स थ्री है माइनस टू, यानी कि वन जो है वो पैरामीटर फ्री है। तो लेट एक्स थ्री को हमने फ्री पैरामीटर माना और एक्स थ्री को टी एम में सपोज कर लिया, तो उस कंडीशन में एक्स टू बराबर ये आ जाएगा और एक्स वन ये आ जाएगा। ये सिंपली इसकी बैक ट्रेसिंग से जो इक्वेशन बनेगी उसी से आएगा। ये हम आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, 1 0 माइनस टू एंड 0 1 माइनस थ्री, 0 0 0 और x1 x2 x3 इक्वल टू 1 -1 एंड 0 से ये इक्वेशन बनेंगे। तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ से x बराबर ये आ गया हमारे पास, ये x बराबर 1 -1, इसको हम लिख सकते हैं अगर कांस्टेंट की बात करें तो 1 -1 एंड 0, एंड t के फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कुछ मैट्रिक्स, जैसे अगर सपोज कि अगर हम t बराबर 0 पुट कर लें, टी बराबर 0 पुट करने पे हमारे पास ओनली वन बच जाएगा, वो बच जाएगा 1 -1 0। तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, सॉल्यूशन होगा ये हमारे पास बेसिकली ए एक्स बराबर बी का सॉल्यूशन होगा। तो ए एक्स बराबर बी का ये सॉल्यूशन होगा। अब हमने क्या कहा था कि क्यू अगर एक सॉल्यूशन है और प्लस कुछ बी जो है अगर उसका सॉल्यूशन है हमारे पास, बेसिकली क्यू बी अगर हमारे पास ए एक्स बराबर 0 यानी होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में क्यू प्लस बी भी सॉल्यूशन होगा। अब बी को अगर हम चेक करना चाहें, हम चेक कर सकते हैं बी बराबर 2 3 1, 2 3 1 जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि ए एक्स बराबर 0 का सॉल्यूशन होगा एक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली 2 3 एंड 1 यही था ना, 2 3 एंड 1, 2 3 एंड 1 अगर इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 + 3 - 9, कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि आगे हमें 0 होमोजीनियस की बात करें तो आगे 0 के इक्वल लाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पुट करें तो 2 3 एंड -1 ये भी सेटिस्फाई है, और यहाँ पे 4 + 3 - 7 ये भी सेटिस्फाई है। तो 2 3 जो 1 0 जो है वो होमोजीनियस का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, अब बेसिकली पी जो क्यू जो था वो 1 -1 0 तो सॉल्यूशन था ही, साथ में प्लस बी वाला टर्म भी इसका एक सॉल्यूशन है। अब फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी सिमिलर इसी तरह से है हमारे पास। लेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पैरामेट्रिक वेक्टर्स ऑफ द आर्गुमेंटरी मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि ये बी की एंट्रीज है और ये मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली रो रिडक्शन की फॉर्म लगाई, रो रिडक्शन की फॉर्म में हमारे पास ये आया। अब बेसिकली इसके फ्री पैरामीटर्स की बात करें तो वेरिएबल कितने थे, एक यहाँ पे आएगा 2 3 3 - 1, लेंथ 1 है, तो 2 इसके फ्री पैरामीटर्स हैं। तो 2 फ्री पैरामीटर्स तो इसके लिए x1 बराबर, यहाँ पे हम इन्होंने x2 बराबर t2 माना है, x3 बराबर t1 माना है, ये मान लिया तो x1 बराबर ये आ गया हमारे पास, x1 बराबर ये आ गया, तो x1 बराबर ये आ चुका है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर t1 और t2 को अगर 0 पुट कर लें तो हमारे पास बेसिकली 1 0 0, तो 1 0 0 जो है ये सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होगा। बट अगर हम देखें इन दोनों की बात करें, -2 0 1 एंड 1 1 0, तो ये दोनों सॉल्यूशन होंगे फ्रेंड्स हमारे पास ए एक्स बराबर 0 के, जिसको हम आराम से चेक भी कर सकते हैं। B1 और B2 को हम जब चेक करेंगे तो मैं एक को दिखा देता हूँ, हम बेसिकली -2 0 1 को अगर चेक करें, तो -2 0 1 को अगर चेक करें तो बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इसकी इक्वेशन की बात करें 3 x1 - 3 x2 + 6 x3, और हम बात कर रहे हैं -2 0 1, तो -6 0 एंड 6 ये इसका सॉल्यूशन है। इस पर अगर बात करें तो -x1 + x2 - x3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, -2 की बात करें 2 0, और यहाँ पे -2 x3 है, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0। इस तरह से इसके लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप चेक कर सकते हो आराम से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास B1 B2 जो हैं ये होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशंस होंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।